चैनल लक्ष्मी आयुर्वेद। लक्ष्मी आयुर्वेद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं इस वीडियो में आपको तिल ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में और सभी जानकारियां दूंगी, क्योंकि तिल तेल के बहुत सारे फायदे हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, जो आम लोग नहीं जानते हैं, तो वो सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे एंड लेट्स मूव टू द वीडियो दैट इज कॉल्ड तिल ऑयल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये तिल की तेल है। मेरे पास जो ये तिल ऑयल है, और भी बहुत सारी कंपनियां जो है इसे बनाती है, ये सिद्धि कंपनी की है। तो ये तिल ऑयल जो मेरे पास है, इसके गुण की अगर हम बात करें, तिल की जो तेल होती है वो एक्चुअली में ऑयल, अगर हम ऑयल की बात करें यानी कि तेल की बात करें, तो वो उसकी ओरिजिन ही तिल है। तिल तैलम यानी कि तिल से ही तेल बनती है। बाकी चीज़ों की भी लोग बना लेते हैं, लेकिन ओरिजिन जो है तिल की ही तेल से तेल होती है। और ये जो है बहुत सारे डिजीज में इफ़ेक्टिव है, जैसा कि अर्थराइटिक पेन में ये बहुत इफ़ेक्टिवली जो है काम करती है तिल की तेल। स्किन प्रॉब्लम अगर आपको है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई यानी कि शुष्क हो गई है, तो भी आप इस ऑयल को अगर यूज़ करते हो तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। अगर आपके ब्रेन एंड ब्रेन के नर्व जो है दब गए हैं, या तो उसमें भी ड्राइनेस आ गई है, शुष्क पड़ गए हैं, तो भी ये ब्रेन एंड नर्व के लिए भी ये ऑयल बहुत अच्छी होती है। और तो और ये हेयर ग्रोथ के लिए भी एक बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, उसमें भी यानी कि हेयर्स के लिए भी, स्कैल्प के लिए भी ये जो तिल तेल होती है वो बहुत अच्छी होती है। तेलों में जितने भी तेल होते हैं, ये तिल का तेल जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसके इतनी ज़्यादा गुणवत्ता है जो कि और किसी भी ऑयल में नहीं पाए जाते हैं। तिल का तेल जो है खाने में भी यूज़ करना चाहिए, इसे खाना भी चाहिए। नॉर्मली जितने नॉर्थ वाले या यूपी वाले हैं, बिहार के लोग हैं, सारे लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि मस्टर्ड यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। बट ऐसा नहीं है, तिल का तेल भी जो है खाने में यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तिल के तेल से अगर हम खाना बनाते हैं तो हमारे ब्रेन को जो है बहुत सारे विटामिंस और मिनरल्स मिलते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। स्किन जो है हमारी अच्छी होती है, स्किन मॉइस्चराइज होती है। तो तिल का तेल हमें हमारे खाने में, दाल में, आप इसे दाल में डाल के छोंक सकते हैं, आप खिचड़ी में जैसे कि घी डाल के छोंकते हैं, उस तरह से आप तिल का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल घी की तरह लगती है। बहुत लोगों को घी पसंद नहीं है या तो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो लोग भी ये तिल का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी खाने में, चौक लगाने में, खिचड़ी में, किसी में भी आप तिल का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप घी को यूज़ करते हैं, वैसे आप तिल के ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप खाना भी बना सकते हैं। तो इससे जो है आपकी बॉडी को जो है नरिशमेंट मिलेगी और बहुत सारे जो है बेनिफिट्स मिलेगी। तिल का ऑयल जो है ये अर्थराइटिक पेन के लिए यानी कि वात रोगों की ये एक औषधि मानी गई है आयुर्वेद में। और ये तिल का तेल इतना ही नहीं, ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी काम करती है। आज के डेट में जैसे कि जो है रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो एक ऑयल आपको यूज़ नहीं करना चाहिए अपने किचन में। आपके किचन में एटलीस्ट 5 to 7 टाइप्स ऑफ ऑयल होने चाहिए, जैसे कि आपको मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, तिल ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, इस तरह के बहुत सारे ऑयल्स रखने चाहिए। और डेली अलग अलग ऑयल को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक ऑयल में सारे मिनरल्स और विटामिंस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन तिल के ऑयल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये तिल का ऑयल इतना ही नहीं, इसे आप बच्चों की भी मालिश कर सकते हैं। इससे जो है उनकी मांसपेशियों को, मसल्स को भी ताकत मिलती है। कोई भी नॉर्मल लोग जो है मालिश के तौर पे इस ऑयल को अगर मसाज करते हैं तो स्किन तो अच्छी होती है, साथ में जो है मांसपेशियां उनको भी ताकत मिलती है। तो ये तिल का ऑयल जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और आपने देखा कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। ऑयल तो एक ही है, लेकिन ये तिल का ऑयल जो है बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसे जो है अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो देखेंगे कि तिल के ऑयल से ही जितनी भी मंदिर है वहाँ तिल के ऑयल से ही दिया जलाया जाता है। तो इसे आप दिया जलाने में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है भगवान को दिया जलाने के भी काम में आती है। तो ये तिल ऑयल जो है एकदम मल्टी फंक्शनल है, जो हर घर में होनी चाहिए और इसे यूज़ भी करना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो मेरे पास तिल ऑयल है, इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 100 ml की है और इसके आज की डेट की प्राइस 110 rupees है। और ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती है। और जो है ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में या तो ऐसे भी राशन की दुकान में
तिल ऑयल आपको पूजा भंडार में या तो ऑनलाइन आपको कहीं भी मिल जाएगी। आप इसे कलेक्ट करें और आज से इसे यूज करना शुरू करें। होप मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे साथ बने रहें। आगे भी मैं बहुत सारे रिव्यूज लाऊंगी, और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।